कह रहे थे आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन समय अनुसार अब बदलते हुए पेरेंट को, तुम भगवान हो, हम ब्रह्मास्मि, याद रखो ब्रह्मा तुम हो, रचनाकार तुम हो, खुदा खुद, खुद वर्ड से खुदा बनाया ना, एक डंडा ही तो लगा है। सोचते कि बच्चा है वो औरत कैसी, लड़की कैसे गाना गाएगी, उसके भाव क्या होंगे, उस किस तरह से नाचेंगी, और किसी पद्धति में ये चीज़ है नहीं। तो ये राजयोग का इतना बड़ा रोल है जो मेरे ख्याल में राजयोग का कोई मुकाबला नहीं। नमस्कार, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू आबू रोड के मनमोहनी वन में स्थित गॉडलोड स्टूडियो में चल रहे एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज जो मेहमान हमारे साथ हैं वो पंजाब से पधारी हैं, पंजाब महिला आयोग की आप अध्यक्ष हैं, आपका शुभ नाम है मिस परमजीत कौर जी। आइए आज के एक मुलाकात में उनका अभिनंदन करते हैं और साथ ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। परमजीत जी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। परमजीत जी, मैंने सुना कि आप चौथी बार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में आई हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है इस विश्वविद्यालय में माउंट आबू में जो बार बार आपको खींच के यहाँ ले आती है? मैं ये समझती हूँ कि जब भी मैं, मेरी शुरुआत हुई है, सबसे पहले मैं आई हूँ, तो कोई ना कोई जिम्मेवारी बढ़ती जा रही है अभी मेरी, तो ये मुझे लगता है कि ये परमात्मा की कोई मर्जी है इस चीज़ में कि मैं यहाँ पे आती हूँ और मुझे कोई नई जिम्मेवारी मिल जाती है। तो एक तो ये है कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जैसी जिम्मेवारियाँ हमारे ऊपर परमात्मा की तरफ से लगी है, समाज की तरफ से लगी है, तो उन जिम्मेवारियों को निभाने के लिए कुछ नैतिक मूल्यों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पर बार बार मेरे आने का कारण है कि मॉरली जो है मुझे बूस्ट मिलता है यहाँ पे आके, मुझे अपने आप अपने करेक्टर में, और मुझे लगता है कि मेरा करेक्टर स्ट्रांग हो रहा है यहाँ पे आके। बहुत सारे गुण हैं जो दुनियावी दुनिया में विचरने के लिए ज़रूरी हैं, सहज की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है, किसी दूसरे आदमी को कितनी, उस आदमी को सुनने की आप में कितनी कैपेसिटी है, उसको समझने की आप में कितनी कैपेसिटी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे गुण हैं जो मुझे लगता है कि मैं इस संस्था में जब आती हूँ तो मुझे वो गुण मैं ग्रहण करके जाती हूँ, और उसका मुझे अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए मुझे बहुत उसमें लाभ मिलता है। परमजीत जी, ये बहुत अच्छी चीज़ लगी कि लगातार आपकी जिम्मेवारियाँ यहाँ आने के बाद बढ़ती चली जा रही हैं। तो आप जब पहले आई थी तो आप कौन से पद पर थी, कौन सी जिम्मेवारी थी, और आप अभी कौन कौन से पदों से होते हुए यहाँ तक पहुँची हैं? जब मैं सबसे पहले आई यहाँ पे तो उस वक्त मैं अपने गांव की सरपंच थी, इलेक्टेड सरपंच, और मैं उस वक्त अपने प्रदेश पंजाब में सबसे छोटी उम्र की सरपंच मैं इलेक्ट हुई थी। तो उस वक्त, क्योंकि बहुत सालों की बात होगी, 99 और 2000 की मेरे ख्याल में बात है, तो उस वक्त औरतों के लिए ऐसे पदों पे काम करना, जिम्मेवारी वाले पदों पे काम करना, इंडिपेंडेंटली काम करना, अपनी सोच के अनुसार काम करना, बहुत बड़ी बात थी जी। तो बहुत सारी मुश्किलें भी उन कामों में आती थी, लेकिन मैंने वो काम दृढ़ता से, बड़ी जिम्मेवारी के साथ मैंने, मुझे लगता है कि मैंने वो निभाया है। धीरे धीरे, क्योंकि मैं एज अ लॉयर मैं प्रैक्टिस भी करती थी, उस वक्त भी करती थी, स्टार्टिंग थी मेरी, तो जब दूसरी दफ़ा आई तो मैं एक लॉयर के तौर पे, एक एडवोकेट के तौर पे यहाँ पे ज्यूरिस्ट का जो सम्मेलन था उसमें शामिल हुई जी। तो तीसरी बार जो, जब मुझे मौका लगा तो मैं, क्योंकि मैं सिख धर्म में पैदा हुई, सिख धर्म की अनुयायी हूँ, तो हमारे जो सिख धर्म में जो गुरुद्वारा साहब का जो प्रबंधन है, वो इलेक्टेड बॉडी जो हमारी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उसके हाथ में है ये। मेरे ख्याल में पूरे मुल्क में या पूरे विश्व में ये पहली संस्था है जो इलेक्टेड है, जो धर्म को, धर्म के कार्य को कंट्रोल करती है। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे उस संस्था का मेंबर बनने का, इलेक्टेड मेंबर बनने का मौका मिला। तो बतौर मेंबर एसजीपीसी यहाँ पे मैं आई, जब रिलीजियस लीडर्स का एक सम्मेलन हुआ था, तो उसमें मैंने एज अ रिलीजियस लीडर मैंने शमूलियत की जी। अब जो मैं आई हूँ चौथी बार, तो अभी और बहुत बड़ी जिम्मेवारी महिलाओं के लिए, अभी महिलाओं के लिए काम करना अगर छोटी सी भी जिम्मेवारी हो तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मुझे
पंजाब गवर्नमेंट ने स्टेट महिला कमीशन का जो हमारा चेयरपर्सन का पद है वो मुझे मिला है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। लगातार आपकी जिम्मेवारियां बढ़ती जा रही हैं परमजीत जी, हम चाहेंगे कि लगातार ऐसी ही आपको और बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां मिलती रहें और आप आगे बढ़ते रहें परमात्मा की दुआ से। जी जी जी, विशेष रूप से परमजीत जी जब आप यहाँ आते हैं, जैसे मैंने कहा कि लगातार कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस में आप आती रही हैं, अटेंड करती रही हैं, तो किस प्रकार की उन्नति, आप एक होता है कि बाहरी तौर पर हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है, लेकिन यहाँ किस प्रकार का ज्ञान आपको प्राप्त हुआ या किस प्रकार की शिक्षाएं ऐसी मिली जिससे आपको लगता है कि सचमुच एक इंटरनल एम्पावरमेंट हुआ या आंतरिक उन्नति हुई, किस प्रकार का ज्ञान सीख या शिक्षा यहां प्राप्त हुई आपको? जैसे देखो, जो लोग तो इसमें पूरी तरह समर्पित होके लगे हुए हैं, राजयोग का जो अभ्यास भी करते हैं, तो उन लोगों के लिए तो ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड हम बोल सकते हैं कि वो है। लेकिन जैसे हम लोग दुनियावी लोग जो आते रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि इतने सारे सम्मेलनों में मैंने शमूलियत की है, तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगती हैं कि यहीं पे आके हमने प्राप्त की हैं। जैसे अपने मन पे कंट्रोल, अभी जो काम हमारा है उसमें बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि आपको गुस्सा भी आता है, आपको अगर आप ओवर रिएक्ट करोगे तो उसका नुकसान भी होगा, आपको भी नुकसान होगा, आप जिसके लिए ओवर रिएक्ट कर रहे हो उसका भी नुकसान होगा, ओवरऑल समाज के किसी ना किसी वर्ग का नुकसान करोगे। लेकिन अगर आपका मन पे कंट्रोल हो जाए, आपको सहज में रहने की आदत पड़ जाए, आपको ये शांति में रहने की इच्छा हो, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी जो समस्याएं हैं संसार में, आप उनका खुद भी सामना कर सकते हो और लोगों को भी आप बता सकते हो कोई ऐसी समस्याओं का कैसे सामना करना है। जैसे हमारा काम है अभी महिलाओं का काम, कितनी समस्याएं लेके डोमेस्टिक वायलेंस से या वर्क प्लेस पे जो महिलाओं को सामना करना पड़ता है मुश्किलों का, तो उन लोगों का ये नहीं कि हमने उस समस्या का हल करना है, उनको हम मॉरली भी बूस्ट करते हैं, वो तभी कर पाएंगे अगर हम खुद को महसूस करते हैं कि हम हमारे मन हमारा अपने मन पे कंट्रोल है या हम अपने करेक्टर में इतनी पावर हमने ली है। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे जो गुण हैं वो हमें यहाँ से मुझे प्राप्त हुए हैं, और मैं उस चीज़ का मैं बोल सकती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में जो मुझे सफलता मिल रही है उसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रोल मैं मानती हूँ। बहुत सुंदर, एक विशेष बात, आप सिख धर्म को बिलोंग करती हैं परमजीत जी। अब कई लोगों की ये मान्यता होती है कि यदि हम किसी दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, मान लीजिए ब्रह्मा कुमारी जी हैं, तो कईयों की ये मान्यता होती है कि हम वहाँ जाएंगे तो शायद धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हमें बदलनी पड़ेंगी, अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि क्या ब्रह्मा कुमारी में ऐसी कोई बात है कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन या कुछ इस प्रकार की परिवर्तन वाली दाद देखने में आई? मेरे ख्याल में अगर ऐसी बात होती तो मैं बार बार यहाँ पे ना आते, क्योंकि हर एक हमारे मुल्क में तो ख़ास तौर पे जो जिस धर्म को मानना चाहे तो उसको आज़ादी है। और एक बात जो मैंने महसूस की, मैंने जो जैसे बताया कि मैं सिख धर्म में पैदा हुई हूँ, उसकी अनुयायी हूँ, तो मैंने ब्रह्मा कुमारीज का जो जो इस संस्था के जो जो करेक्टर है, वो जो इसके असूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो मैंने अपने धर्म के बहुत नज़दीक मैंने पाए हैं। जैसे हम भी एक परमात्मा को निराकार है जो, बिल्कुल गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओंकार निराकार, बिल्कुल मैंने अपने जीवन के अपने धर्म के बहुत नज़दीक पाया, और मैंने कभी महसूस नहीं किया कि कहीं भी ऐसा लगा हो कि ये लोग जबरदस्ती, जैसे कहीं हमारे मुल्क में ये चीज़ें हो रही है कि धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है जबरदस्ती, कहीं ना कहीं ये समस्या हमारे मुल्क में आपको भी पता है कि ये है, लेकिन मैंने कभी महसूस नहीं किया, बल्कि मैंने तो पाया कि यहाँ पे हर एक धर्म को इतनी ज़्यादा इज्जत मिलती है, हर एक को अपने धर्म को अपनी मान्यताओं के हिसाब से मानने की छूट है। तो ये तो मैं समझती हूँ कि एक जीवन पद्धति अच्छे तरीके से कैसे कोई जीवन जी सकता है, ये एक वो एक आर्ट है और इसको हर एक को जीने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब ये कि जीवन पद्धति है, यहाँ कोई एक धार्मिक परिवर्तन की बात नहीं है, लेकिन आप अपने जीवन को कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, कैसे विचारों को बेहतर बना सकते हैं, इसके विशेष करके शिक्षा दी जाती है। खास करके जो राज्यों का अभ्यास यहाँ कराया जाता है, आपने भी राज्यों का अभ्यास आप लगातार आ रहे हैं तो किया है, राज्यों का क्या विशेष अनुभव रहा परमजीत जी? और एक दूसरी बात मैं जानना चाहूंगा कि बहुत सारे योग संसार में प्रचलित हैं, उन योगों से राजयोग किस प्रकार से भिन्न है, आपकी क्या अनुभूति रही?
देखो वैसे तो क्योंकि ये भी मैं समझती हूँ कि राजयोग या जो दूसरे योग हैं वो एक साइंस है, मैं ये मानती हूँ, और उसके कितने इफ़ेक्ट कैसे हैं मैं उसके बारे में क्योंकि मैं विशेषज्ञ इस बात में नहीं हूँ, लेकिन मैं महसूस करती हूँ कि अगर जो दूसरे योग बहुत सारे अभी चल रहे हैं वो आपको फिज़िकल स्ट्रॉन्ग करने के लिए या फिज़िकली आपकी कोई समस्या है उसको दूर करने के लिए है, लेकिन फिज़िकल समस्याओं के तो और भी बहुत सारे जो इलाज हैं या ट्रीटमेंट्स और भी पद्धतियों में हैं, लेकिन ये जो राजयोग है ये आपको मन से, मन की अगर कोई बीमारी है मन को कैसे कंट्रोल करना है, मन को कैसे मजबूत करना है, जो मेरे ख्याल में और किसी पद्धति में ये चीज़ है नहीं, तो ये राजयोग का इतना बड़ा रोल है जो मेरे ख्याल में राजयोग का कोई मुकाबला नहीं। दूसरे योग अपनी तरफ है, उनकी भी अपनी विशेषताएं हैं, उनका अपनी अपने तरीके से लाभ है, लेकिन राजयोग का जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है मेरे ख्याल में। इसका इतना ज़्यादा, और आजकल की जो दुनिया है जैसी समस्याओं से हमारा संसार अभी सामना कर रहा है, दुनियादारी मॉडर्नाइजेशन इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और लोग अभी नींद पूरी नहीं हो रही, अभी इतनी दौड़ भाग है, खाना खाने का भी वक्त नहीं, तो ऐसे वक्त में अगर थोड़ा सा वक्त भी कोई भी आदमी, आम आदमी, ये ज़रूरी नहीं कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में आके ही राजयोग का अभ्यास हो सकता है, आम गृहस्थी में रह के भी उसका अभ्यास हो सकता है और उसका लाभ ज़रूर लेना चाहिए। और यहाँ तो सभी प्रकार के लोग आपने परम जी देखे होंगे, देखिए चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, मुसलमान सिख हैं, ईसाई हैं, चाहे वो गरीब हैं, चाहे अमीर अमीर हैं, है, काले हैं, गोरे हैं, हाँ देशी हैं, विदेशी हैं, बिल्कुल सभी प्रकार के लोग राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। क्योंकि जैसी बात आपने कही कि सचमुच आज मानसिक रूप से सबल होने की बहुत हाँ ज़्यादा वो जरूरत आवश्यकता है। है, सभी लोग तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, चिड़चिड़ापन है, भाग दौड़ है, तो बिल्कुल शायद ऐसी स्थिति में राजयोग का अभ्यास बहुत बहुत मददगार मदद साबित कर होता है। होता है साबित हो, बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी जीवन में आई हैं परिवार के लेवल पे भी और समाज में भी, जैसा काम जैसी जिम्मेवारियों को हम निर्वहन कर रहे हैं, जी तो मैंने देखा है कि बहुत सारे मौक़ों पे मुझे मेरे साथियों ने ये बात बोली है कि आपने ऐसी स्थिति को इतनी मजबूती से कैसे हैंडल कर लिया, तो मैं उनको बताती भी हूँ और लेकिन मन में मुझे पता होता है कि मैं ये जो जो ये ताकत है, जो ये जी शक्ति है कहाँ से प्राप्त की है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो अंदर की ताकत बाहर दिखाई देती है, फील्ड हाँ में वास्तव में हम वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे अंदर हमें वो शक्ति प्राप्त हुई बिल्कुल है। तो ये जो आध्यात्म है परमजीत जी, कई बार आप देखेंगे कि आज का दौर ऐसा हो गया है कि लोग भौतिकता की ओर बहुत भाग रहे हैं, पद पोजीशन की ओर सभी बहुत भाग रहे हैं, आप एक बहुत ऊंचे पद पे हैं इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ, तो ये जो भाग दौड़ है इसमें कहीं ना कहीं आध्यात्म पीछे छूट गया है, जो सचमुच मूल है, जो हमें शक्ति प्रदान करता है, जैसे आपने कहा कि वो शक्ति अंदर की है जो बाहर दिखाई देती है और फिर लोग कहते हैं कि ये तुम्हें कहाँ से प्राप्त कहाँ से होती है, प्राप्त होती तो आपको क्या लगता है कि क्या इस आध्यात्म की सचमुच बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं हो गई है आज नहीं, लोगों वो को? तो बहुत ज़रूरत है। अगर हम इतिहास की तरफ जाएं, पीछे की तरफ जाएं, जी तो हमारा जो मुल्क अंग्रेज़ों के आने से पहले भी ठीक है, और लोग भी आए हमारे देश पे, हमले भी हुए, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं, हम शरीर के तौर पे भी हम मजबूत है, लेकिन हम कहीं ना कहीं हम मानसिक तौर पर इतने ज़्यादा मजबूत है कि हमने बड़े से बड़े हमले का भी सामना किया। जी ठीक है, महात्मा गांधी की हम उदाहरण ले सकते हैं, बिना किसी हथियार के उस आदमी ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, तो कारण क्या है? मानसिक तौर पे वो आदमी मजबूत था। और भी कितनी सारी उदाहरणें हैं। तो हमारा देश, हमने आज़ादी ली, उसके बाद हमने तरक्की भी की, लेकिन तरक्की तो अब भी कर रहे हैं हम, इसमें कोई शक की बात नहीं। एक तो देख लो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं, हम स्पेस तक हमारी पहुंच हो गई है सभी तरफ, लेकिन दूसरा पक्ष देखो, परिवार टूट रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? अभी इतनी ज़्यादा ऑफिसर की बात ले लो, अभी ऑफिसर ठीक है अपने ऑफिस में वो कामयाब है, लेकिन परिवार में वो फेलियर साबित हो रहा है, तो कारण क्या है? कहीं ना कहीं पे हम इस चीज़ में की जो है कमी वो महसूस कमी करते महसूस हो हैं, रही है, और बिल्कुल ये चीज़ है जो हम बोलते हैं कि आगे वाली जनरेशन को ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, लेकिन वो चीज़ कहाँ से मिलेगी? अभी अगर मैं छोटी सी बात करूं, सभी लोग जब स्टेज पे भी बोलते हैं, पुरुष बोले या नारियां बोली, तो एक बात होती है कि जो बच्चा है वो उसका जो पहला स्कूल है वो माँ है, लेकिन अब माँ किधर को जा रही है? माँ के पास अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं, बच्चा इंटरनेट पे क्या कर रहा है, पोर्नो देख रहा है या कुछ और देख रहा है, उसके पास वक्त नहीं क्योंकि उसने सास बहू का ड्रामा देखना है। ठीक है, अभी जो ज्ञान की कमी है वो भी, ज्ञान भी अगर आप मेंटली मजबूत हो तो अभी ज्ञान को हम ग्रहण कर पाएंगे, तो ज्ञान की कमी के कारण भी बहुत सारी समस्याएं हमारे
सामने आ रही हैं, और ख़ास तौर पे क्योंकि महिला होने के नाते या उस आयोग को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि औरतें जो महिलाएं हैं वो अपने आप को सबल बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जहाँ से ज्ञान प्राप्त हो, सास बहू से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, वहाँ तो हमें पता चलेगा कि कैसे साजिश करके सास को भगाना है या बहू को भगाना है, वो हमारा ज्ञान नहीं है। अभी कितने लोग हैं कि डिस्कवरी चैनल देख रहे हैं, पीस ऑफ माइंड देख रहे हैं, आस्था देख रहे हैं, और कितने चैनल हैं जहाँ से ज्ञान मिलेगा, वो हमारी महिलाएँ नहीं देखेंगी। अभी कितनी महिलाएँ हैं जो न्यूज़पेपर हैं उसमें एडिटोरियल पढ़ती होंगी, या जो ज्ञान की जो जो पन्ना होगा उस पन्ने तक वो औरतें पहुंच पाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम स्पिरिचुअलिज्म की बात करें तो ज्ञान हमें मतलब इसी चीज़ की कमी लगभग ऐसा महसूस होता है कि हर प्रकार की तरक्की तो हम कर रहे हैं लेकिन शायद अध्यात्म जो हमारा मूल है, हमारा नींव है, उस चीज़ को हम छोड़ते चले जा रहे हैं। चाहे हमारे सिलेबस की बात भी यदि हम देखें तो वहाँ पे भी हमें दुनियावी ज्ञान तो बहुत मिल जाता है लेकिन शायद मूल्यों का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, अध्यात्म का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तो वहाँ भी आवश्यकता है। मूल रूप से आपने महिलाओं की बात कही और माता प्रथम गुरु होती है, महिला आयोग की आप अध्यक्ष हैं, तो मैं महिलाओं पर ही आता हूँ विशेष करके। आज का दौर परम जी ऐसा लगता है कि जैसे महिलाओं के लिए नर्क सा साबित हो रहा है। बहुत ज्यादा वो उन्नति भी कर रही हैं, उनको बहुत ज्यादा कदम से कदम मिला के आगे बढ़ने के अवसर भी मिल रहे हैं, लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि बहुत सारी परेशानियां भी पैदा हो रही हैं। क्या कारण आप मानते हैं इस चीज का विशेष करके? नहीं, इसका कारण जो मैंने पहले बोला कि ज्ञान की कमी है, वो मैं इस चीज को साबित भी कर सकती हूँ। अभी अगर हम जो कामयाब औरतें हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन में हो या सिविल प्रशासन में हो या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी हैं, वो औरतें हैं जो अपने अपने एरिया में, अपने अपने स्पेयर में कामयाब हैं। तो वो कोई तलवार लेके लड़के तो उस एरिया में कामयाब नहीं हुई, कहीं ना कहीं वो मेंटली मजबूत थी। मैं समझती हूँ कि औरतों को अगर आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं उनको अपने आप को दिमागी तौर पर मजबूत करना पड़ेगा। अगर उनके पास ज्ञान है, अभी क्या होता है आम तौर पे घर में औरत को कोई ज़रूरी बात में भी उससे सलाह लेने में क्या पुरुष का क्या होता है कि नहीं इसको क्या पता, ये तो गृहिणी है। लेकिन अगर उसके पास ज्ञान है तो ज्ञान के द्वारा वो साबित कर सकती है कि नहीं, जो आप जानते हो शायद उससे ज़्यादा मैं जानती हूँ, तो अपने आप उसको एम्पावरमेंट भी मतलब थोड़ी सी एक जागृति उनमें आनी बहुत जरूरी है और अपने आप को आगे बढ़ाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मूल रूप से एक चीज और ये बात बहुत अच्छी रही कि चलिए ये सास बहू से थोड़ा सा बाहर निकलने का समय आ गया है और थोड़ा सा अपने आप को ऊपर लाने की, आगे बढ़ाने की, ताकि हर प्रकार से हम समाज के काम आ सके। मुझे लगता है कि एक मानसिकता ऐसी बन गई है कि बस अब तो हमें घर में रहना है, बच्चों को संभालना है, पति देव को संभालना है, यहीं तक हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद दायरे को बढ़ाने की जरूरत है, विचार को बढ़ाने की जरूरत है ताकि बाहर आए। एक जो विशेष बात परमजीत जी हो रही है आजकल, लगातार ये जो बलात्कार के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, सभी चिंतित हैं, समाज चिंतित है, परिवार चिंतित है, माता पिता चिंतित हैं। विशेष रूप से आप इसका कारण और निवारण क्या मानती हैं? कौन सी बातें फैक्टर बन रही हैं, कैसे इसे दूर किया जाए, क्योंकि पूरे विश्व में इसके कारण हमारे देश की बदनामी हो रही है बहुत ज्यादा। ये तो बहुत सोचनीय और चिंतनीय जो विषय है। अभी अगर कानून की बात करो तो कानून से भी मैं समझती हूँ कि कानून तो सफिशिएंट है। अभी जो दामनी का केस हुआ है, जो कमी है थी कानून में वो भी पूरी होगी, और दामनी के केस में उस कानून को लागू करते हुए उन लोगों को फांसी की सज़ा भी हुई है जी। लेकिन उस केस में फांसी की सज़ा होगी, लेकिन क्या उसके बाद भी ये इन चीजों में कमी आई? अगर आती, अगर उस चीज का डर होता है, बिल्कुल बिल्कुल, कि ये तो बदायूं का केस या शक्ति मिल का केस कभी ना होता जी, जी, अगर कानून का डर होता है। तो कहीं ना कहीं पे एक तो ये बात बार बार, वैसे तो ये स्टीरियोटाइप बात होगी कि माइंडसेट जो समाज का वो चेंज करना पड़ेगा। एक तो औरतों के प्रति जो सोच है, मानसिकता है, उसको एक वस्तु बना दिया गया है, उसमें एबिलिटी है, उसको इग्नोर करके उसको एक वस्तु के तौर पे, हमारा उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया की बात कर लो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर लो, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी महिलाओं पे दया करनी पड़ेगी। इन लोगों को भी अपनी जो पॉलिसीज हैं उसको सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे चेंज लाने की जरूरत है। बिल्कुल। तो एक तो ये बात होगी, दूसरा ये कि मैं ये समझती हूँ कि औरतों को वही बात फिर से आ गई कि मेंटली जो मनोबल है
उसको मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि मेरी एक सोच है, मेरा निजी तजर्बा भी है कि जो आदमी बुरा सोच के आया आपके सामने, कुछ मंद भावना लेके आया, आपके प्रति मंद भावना है वो लेके आया, वो आदमी मेंटली तौर पे वीक है। अगर आप उसको थोड़ा सा भी, उसको जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं ललकारा मारोगे, आंख दिखा दोगे, आंख दिखाओगे आप, तो वो उस आदमी के पैर नहीं, वो भाग जाएगा। अभी क्या ये घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि हमारी जो लड़कियां हैं, क्योंकि उनका पालन पोषण भी ऐसे होता है लाड प्यार से ममता से, तो वो डर जाती हैं, क्योंकि अभी तीन चार लोग आ गए तो डरेगी नहीं, वो तो बाय नेचर उसको डरना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी सी हिम्मत, देखो अगर वो हिम्मत नहीं भी दिखाती, बुरा तो हो ही जाएगा उसके साथ, लेकिन हिम्मत करके थोड़ा सा सामना करने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी घटनाएं रुकेंगी। अगर वो एक बार अंदर की आवाज से जी, उसको ताकत से उसको एक बार एक बार बोले तो सही, उसको रोकने की कोशिश करें। दूसरा ये है कि हमें कहीं ना कहीं पे जो सेल्फ डिफेंस की बात आ जाती है, तो हमें ये अब हमारे जो स्कूल का जो सिलेबस है उसमें एक तो नैतिक मूल्यों को जरूर शामिल करने की बात बार बार आती है, और करना भी चाहिए, क्योंकि हम अभी जो प्रोग्राम हो रहे थे तो सोनल मान सिंह भी बोल रहे थे, और मुझे उनकी बात अच्छी भी लगी कि जब वो लोग पढ़ते थे या हम लोग भी पढ़े हैं, तो नागरिक शास्त्र जिसमें नैतिक मूल्यों की बात होती थी, वो एक एक जरूरी अनिवार्य विषय था, लेकिन अभी वो है नहीं, उसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही। अभी जरूरत क्या है कि साइंस पढ़ेंगे बच्चे, डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, टेक्नीशियन बनेंगे, मतलब बात वही आ गई है कि हम भौतिक शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं, लेकिन ये जो मूल है उससे शायद हम अपने बच्चों को दूर करते हैं। अभी देखो पुराने जमाने की बात करो, गुरुकुल में उसमें उसको जो दुनियावी दुनिया में विचरने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी सिखाया जाता था, लेकिन साथ में उसको एक अच्छा इंसान कैसे बनना है वो भी सिखाया जाता था। तो उस ऐसी पद्धति जो कि मेरे ख्याल में विश्व में इस चीज़ का जो मुकाबला कोई नहीं। अभी मैं समझती हूँ कि ये जो संस्था है ब्रह्मा कुमारी की संस्था है, वो मुझे तो वो गुरुकुल की तरह ही लगती है कि ये एक गुरुकुल है, वैसा ही है जो जैसा पढ़ते थे या सुनते थे वेदों में। या तो ऐसी पद्धति को हमें थोड़ा सा जो अभी शिक्षा के क्षेत्र में इसको आ रहे हैं, इसमें से कमाई भी कर रहे हैं सभी हैं, उनको भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि समाज पे थोड़ा सा वो दया करें समाज पे, तो अच्छे इंसान दया से तो मैं कहूंगा जिम्मेवारी बनती है उनकी परमजीत जी कि जिस समाज में उनके भी बच्चे रहते हैं और जिस समाज से हम भी निकले हैं, वास्तव में उस समाज के लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए। तो विशेष करके एक जो एक बात रही आपकी, जो मुझे लगता है कि चलिए बाहरी तौर पे हम ये सारी घटनाएं, नियम बहुत बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, लड़कियों को हमें बहुत ज्यादा वैसे सेल्फ डिफेंस की बातें भी सिखानी चाहिए, ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय विशेष जैसे आपने कहा है गुरुकुल की तरह लगता है, यहाँ पे जो महिलाओं की शक्तिकरण की बात सिखाई जा रही है वो आज के दौर में कितना आवश्यक मानती हैं आप, और ये चीज इन घटनाओं को कहां तक रोक सकता है आपके विचार से? देखो एक बात, जब महिलाओं के उनकी अगुवाई की बात आती है कि ये अगुवाई कर सकती या नहीं कर सकती, तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा उदाहरण, एक ही उदाहरण विश्व में, वो ब्रह्मा कुमारी जी का है। इतनी बड़ी संस्था को इतने मतलब विश्व पद्धर पे सिर्फ हमारी बहनें चला रही हैं और इतनी कामयाबी से चला रही हैं, तो अगर इतनी बड़ी संस्था को चला सकती हैं तो बाकी काम तो बहुत छोटे हैं, तो उनको कामयाबी से क्यों नहीं चला सकते? एक मौका तो देखे देखे समाज उनको, अभी समाज की जिम्मेवारी बनती है उन पे विश्वास तो करके देखे, वो कमाल कर देंगे। बिल्कुल, अब 33% आरक्षण वाली बात चल रही है, अब हम विश्वास करते हैं कि जल्दी ही ये आरक्षण हमारी माताओं बहनों को प्राप्त हो। हाँ, उसमें मैं एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगी, 33% जो आरक्षण की बात है वो पंचायती लेवल पे है और नगर काउंसिल वगैरह कॉरपोरेशन में वो है, लेकिन अभी उसकी असलियत क्या है, उसमें क्या है कि अगर आज कोई एमसी या सरपंच है, कल को वो रिजर्व होगी, तो एक कोई जो जेन्युइन जो एक लीडरशिप क्वालिटी वाली लड़की या औरत नहीं आएगी, उसकी घर से उसकी पत्नी या उसकी बहन या ऐसे वो लोग, वही लोग आ रहे हैं। तो मेरी यही हाथ जोड़ के सभी को मेरी बेनती है, रिक्वेस्ट है कि अगर 33% जो लेजिस्लेटिव असेंबली में या पार्लियामेंट में करना है, तो कम से कम जो औरतें खुद पे विश्वास करके आगे आई हैं, खुद पे मजबूती से वो आगे बढ़ रही हैं, तो ऐसी औरतों को अगर मौका मिलेगा तब तो 33% रिजर्वेशन का कोई फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है।
चलिए, ये बात भी आपकी पहुंचेगी सभी तक और सभी इस पे भी विचार करेंगे। परमजीत जी, एक विशेष अंतिम बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ब्रह्मा कुमारी इसका विशेष एक ध्येय है कि हम एक श्रेष्ठ समाज बनाएं, एक स्वर्णिम संसार बनाएं, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये संभव है? और यदि हमें इसे संभव करना है, अपने भारत को या सारे संसार को स्वर्ग जैसा बनाना है, तो हर एक को क्या जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी? देखो, इम्पॉसिबल तो कोई भी चीज़ नहीं है संसार में, मेरे ख्याल में। अगर कोई ये ठान ले कि ये काम करना है तो ज़रूर करेंगे। तो अगर ब्रह्मा कुमारी संस्था की बात करें तो कहीं ना कहीं तो शुरुआत हुई है ना। अभी ये इतनी बड़ी संस्था है, इतना बड़ा वृक्ष है, कभी ना कभी तो बीज बोया गया, थोड़ा सा पौधा बना, अभी इतना बड़ा वृक्ष है। तो अगर समाज ये बात सोच ले कि समाज को अच्छा बनाना है, तो शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। अगर आज मैं अपने आप में सुधार करती हूँ, मेरे में कुछ कमियाँ हैं, मैं उनको रोक के, और अभी और जो दैवीय गुणों की जो बात होती है उनको मैं अपने आप में डेवलप करके चलती हूँ, तो मुझे देख के मेरा परिवार या आगे वो लोग, तो शुरुआत ये नहीं कि हम मैं मेरे में सुधार नहीं, लेकिन मैं दूसरे को सुधारने के लिए चल पड़ी, फिर कामयाबी नहीं मिलेगी। खुद हर एक आदमी ये जिम्मेवारी सोचे कि मैंने खुद में सुधार करना है, इन चीज़ों को खुद को रोल मॉडल बना के दूसरे के आगे पेश करे। तो मेरे ख्याल में एक एक करके, अगर आदमी तो एक ही चलता है, बाद में काफिला बनता चलता है, तो शुरुआत करें सभी लोग जिम्मेवारी लेके, तो पीछे पीछे लोग हैं जो वो आते चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल में और इतना समा भी नहीं लगेगा, जो जिस समाज की हम बात कर रहे हैं वो समाज अवश्य उसका जो है यहाँ पर। चलिए, मतलब दीप से दीप प्रज्वलित होता चले, एक एक अपने आप को परिवर्तन करने की जिम्मेवारी ले। जैसे आप यहाँ आई हैं, आपने भी बहुत सुंदर परिवर्तन अपने जीवन में लाया है। महिला आयोग की अध्यक्ष हैं आप, विशेष करके वहाँ जाके उन महिलाओं को किस प्रकार से आप जागृत करना चाहेंगी, उनके जीवन में भी कैसे ज्ञान की जोत जगाना चाहेंगे? नहीं, एक तो मेरी सबसे बड़ी, एक तो देखो ये आयोग में जो आते हैं कि किसी की शिकायतें हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है या दूसरे डिस्प्यूट हैं, उनका निवारण के लिए वो आती हैं। लेकिन उसके अलावा भी मैं जो जिम्मेवारी अपनी समझती हूँ कि ये जो जैसे आज हमने बातें की हैं, या अपने आप को कैसे मजबूत कर सकती हैं, कोई समस्या उनके सामने ना आए, ऐसा समाज हम कैसे, औरत का बहुत बड़ा रोल होता है उस समाज को सृजने में। तो मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई ऐसी औरत आती है, वो मेंटली तौर पे वीक है, डिप्रेस है, तो उसको मैं बहुत ज़्यादा बूस्ट करने की कोशिश करती हूँ। अगर मैंने 15 मिनट उसकी समस्या सुनने में, उसके निवारण में लगाए हैं, तो मैंने 30 मिनट उसको और अच्छे से वो अपने मूल्यों को पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने, उसके लिए भी मैं ज़रूर लगाती हूँ, चाहे मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़े, और मैं लगाती हूँ इसमें मुझे। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि औरतों के कारण समाज अच्छा बने, औरतों की जिम्मेवारी है, औरतों की वजह से बच्चों को अच्छे गुण हैं जो उनमें, उन लोगों में आए, अच्छे वो नागरिक बन पाए, उससे परिवार का पहले भला, फिर समाज का, प्रदेश का, फिर मुल्क का और विश्व का। तो ऐसे अच्छा समाज हम सृजने में औरतें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो रोल अदा कर सकती हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका परमजीत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और महिलाओं के विकास सशक्तिकरण के लिए आप इतना सुंदर कार्य कर रही हैं, आप दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करती चले, और जैसे हर बार आप आती हैं, हर बार आपका पद और ऊपर ऊपर बढ़ता चला जाता है। हम चाहेंगे कि बारम्बार आप आती रहें और देश के सर्वोच्च पद तक आसीन हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं आपको, परमात्मा की दुआ। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया परमजीत जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे जी सभी के साथ। मित्रों, हम बात कर रहे थे परमजीत कौर जी से, जो कि पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। बहुत सुंदर बातें रही हमारी, हर एक को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी अपने परिवर्तन की पहले। यदि हम एक सुंदर समाज चाहते हैं, एक ऐसा समाज चाहते हैं जहाँ पे हिंसा ना हो, जहाँ किसी भी प्रकार की कमी ना रहे, कहीं किसी प्रकार का द्वेष ना रहे, तो वास्तव में हम किसी और की ओर उंगली करने की बजाय कि सरकार को बदलना चाहिए, संस्थाओं को बदलना चाहिए, फलाने फलाने को बदलना चाहिए, उससे कहीं बेहतर होगा कि हम अपने आप को बदलें। यदि मेरे जीवन में गुण होंगे, मूल्य होंगे, अच्छाइयाँ होंगी, तो निश्चित रूप से जैसे एक अगरबत्ती हम किसी कमरे में जला देते हैं तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, तो मेरे जीवन में यदि गुण हैं, अच्छी धारणाएँ हैं, उसकी खुशबू भी निश्चित रूप से चारों तरफ फैलेगी। और ये जैसे हम कह रहे थे, दीप से दीप जलता चलेगा, ज्योत से ज्योत जलता चलेगा, और हम सारे संसार को, समाज को, भारतवर्ष को
श्रेष्ठ और महान बना पाएंगे। तो आप सब अपनी जिम्मेवारियों का बेड़ा स्वयं उठाएं और अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, बुराइयों से अच्छाइयों की ओर चलें, यही हमारी श्रेष्ठ शुभकामना है। नमस्कार। ए, 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 ए,